हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो यूजुअली हम सब लोग अपनी स्किन और हेयर का तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे पैरों की तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कई बार आपने नोटिस करा होगा कि हमारे पैरों में टैनिंग हो जाती है। आपकी भी होती होगी आई एम श्योर। सो आज हम घर पर ही करने वाले हैं पेडिक्योर, बिकॉज पेडिक्योर करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है और इससे आपके पैर काफ़ी ज़्यादा साफ़ और सुंदर हो जाएंगे। अगर आप सैलून में जाकर पेडिक्योर कराओगे तो उसका रिज़ल्ट तो अच्छा आएगा ही, बिकॉज वो अच्छी सर्विस तो वहाँ पर प्रोवाइड करते ही है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम किसके पास है कि इतनी दूर हम ट्रैवल करके जाएंगे, वो भी सैलून में, जबकि जब हमारा काम घर पर हो सकता है तो हम उसे कन्वीनियंट वे में घर पर ही ना कर ले। उसके साथ ही साथ सैलून में जाकर हमें कितने ज़्यादा पैसे भी तो खर्च करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो आपको नेल पेंट को रिमूव कर लेना है अगर आपने लगाई है तो, और उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो नेल पेंट रिमूवर किसी भी ब्रांड का, एंड यहाँ पर मैंने किसी भी टाइप की नेल पेंट नहीं लगाई है। उसके बाद आपको यहाँ पर टप या फिर बाल्टी की नीड होगी, यहाँ पर मैंने टप का यूज़ करा है, और आपको इतना पानी भर लेना है जितने में आपके पैर आसानी से डूब जाए। इस प्रोसेस में आपको ल्यूक वार्म वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी गर्म पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है, और इतना ही गर्म पानी चाहिए जितने में आप आसानी से अपने पैरों को रख पाओ, और आपको किसी भी टाइप की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ऐड करना है सी सॉल्ट। अगर आपके पास सी सॉल्ट नहीं है तो आप नॉर्मल सॉल्ट को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सी सॉल्ट को यूज़ करा है, एंड यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ सी सॉल्ट यूज़ करा है। उसके बाद हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी नींबू की, लेकिन हमें एक पूरे नींबू की नीड नहीं है, सो आपको इसे कट कर लेना है, एंड हाफ लेमन को आपको अच्छे से निचोड़ लेना है, यानी स्क्वीज आउट कर लेना है। उसके बाद नींबू के छिलके को आपको इस पानी के अंदर ही डाल देना है। आगे बताऊंगी कि ऐसा हमने क्यों करा है। उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ करा है शहद का, यानी हनी का, और यहाँ पर मैंने डाबर की हनी का यूज़ करा है। आप किसी भी और ब्रांड के भी हनी का भी यूज़ कर सकते हो, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इतनी क्वांटिटी में हनी ले लिया है, लगभग आप लगा सकते हो 1 से 1.5 चम्मच मैंने हनी का यहाँ पर यूज़ करा है। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाली है शैम्पू की। आप शैम्पू की जगह शावर जेल या फिर बॉडी वॉश का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने बॉडी वॉश का ही यूज़ करा है। उसके बाद आपको अपने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, एज यू कैन सी, और आपको दिखेगा कि कितना ज़बरदस्त झाग बनना चालू हो गया है। इसके बाद का जो स्टेप है वो ऑप्शनल है, सो इसके लिए आपको यहाँ पर स्प्रिंकल कर देनी है रोज़ पेटल, यानी गुलाब की पत्तियाँ। अगर आपके पास है गुलाब की पत्तियाँ तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। गुलाब की पत्तियाँ ऐड करने से ये एकदम स्पा वाइब्स आ रही थी मेरे को। बस उसके बाद तो आपको अपने पैरों को अंदर डाल लेना है पानी के, और सोक करके रखना है फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। गर्म पानी के अंदर पैरों को रखने से ये फ़ायदा होता है कि ऐसा करने से आपके पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। चलो तब तक मैं आपको थोड़े बहुत बेनिफिट्स बता देती हूँ कि आपको पेडिक्योर क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका ब्लड सर्कुलेशन होने लग जाएगा, सेकेंडली स्ट्रेस आपका दूर हो जाएगा, थर्ड पॉइंट यही होगा कि आपकी जो डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाती है, फोर्थ इन्फेक्शन का रिस्क होता है तो वो भी कम हो जाता है, एंड लास्टली अगर आपकी एरिया फटी हुई है तो उसकी प्रॉब्लम भी ठीक होने लग जाती है अगर आप पेडिक्योर कर देते हो। इसके बाद आपको ले लेना है फुट स्क्रबर, एंड फुट स्क्रबर आपको आराम से किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास एक जुगाड़ो सा फुट स्क्रबर मेरे को मिला था, तो मैंने इसी से ही फिलहाल काम चला लिया था। सो आपको स्क्रबर से अच्छे से अपने पैरों की स्क्रबिंग कर लेनी है, इससे आपके जितने भी पैरों में डेड स्किन सेल्स होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, और आपको स्क्रबिंग एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक तो करनी ही करनी है। और यही सेम स्टेप स्क्रबिंग वाला आपको दूसरे पैर में भी रिपीट कर लेना है, एंड पैरों के पीछे का जो पार्ट होता है आप उसको ऐसे स्क्रब कर सकते हो, लेकिन आगे के पार्ट को स्क्रब करने के लिए आप ले सकते हो लूफा, एज यू कैन सी, एंड दोनों तरफ से आपको अच्छे से अगेन अपने पैरों की स्क्रबिंग कर लेनी है। और आपको स्क्रबिंग तब तक करनी है जब तक आपके पैरों की गंदगी अच्छे से निकल नहीं जाती है, तब तक आपको अच्छे से अपने पैरों की स्क्रबिंग करते रहनी है, अपने इन बिटवीन द फिंगर्स आगे पीछे हर जगह अच्छे से आपको रगड़ लेना है अपने पैरों को, लेकिन इतना भी हार्श नहीं होना है, बी जेंटल। अभी मैंने थोड़ी सी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर रखी है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, रियल में मैं बहुत ज़्यादा धीरे कर रही थी। आपको भी आराम आराम से ही करना है, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम इन्वेस्ट करो और अच्छे से अपने पैरों को क्लीन करो। बस जब आपको लगे कि आपके पैर क्लीन हो चुके हैं तो उसके बाद जो आपने लेमन को डिप किया था ना स्टार्टिंग में पानी में, तो वो आपको ले लेना है। नींबू से आपको अपने नेल्स पर अच्छे से रब करना है। ऐसा करने से कभी कभी जैसे आपके नेल्स येलोइश हो जाते हैं ना, या फिर आपके नेल्स कई बार वीक हो जाते हैं और खाली खाली में टूट भी जाते हैं, तो ऐसे नींबू को नेल्स पर
रब करने से आपके नेल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और बस उसके बाद दोबारा आपने अपने पैरों को डुबा लेना है गर्म पानी में। बस इसके बाद तो आपको बताइए कि आपको करना क्या है। तो आपको साफ़ पानी में अपने पैरों को वॉश कर लेना है एंड उसके बाद अच्छे से टॉवल से अपने पैरों को पोंछ लेना है। एंड ये मैंने ऐसा यहाँ पर क्लिप में इंक्लूड नहीं करके दिखाया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद इसके बाद हमें अपने पैरों को मॉइस्चराइज कर लेना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने यूज़ करा है निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र। आप किसी भी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। एंड आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर लेना अपने पूरे पैरों में एंड अच्छे से आपको मसाज भी कर लेनी है ऊपर और नीचे हर जगह अपने पैरों में। एंड आपको खुद ही लगेगा कि आपके पैर कितने ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गए। पेडिक्योर करने के बाद आपके पैरों की हल्की फुल्की जो भी टैनिंग होगी आपको खुद ही लगेगा कि वो सारी की सारी रिमूव हो गई। एंड लास्टली उसके बाद आपको अप्लाई कर लेना अपने पैरों में नेल पेंट। और यहाँ पर मेरे को नेल पेंट अप्लाई नहीं करनी थी, इसलिए मैंने अगेन ये वाले स्टेप को इंक्लूड नहीं करा था। एंड आप देख सकते हो कि मेरे पैर कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, कितने ज़्यादा ब्राइटन अप भी लग रहे हैं। सो मेरे साथ अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर करना कि आपको ये पेडिक्योर कैसा लगा, वो भी कमेंट सेक्शन में। एंड अगर अच्छा लगा तो आपको पता आपको क्या करना, आपको करना है इस वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर, मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।